असलकुम उमर अकेडमी में खुश आमदेद उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे तो आज हम आपको केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर का टॉपिक पढ़ाएंगे लॉज ऑफ़ केमिकल कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री जो कि के मैटर की स्टडी है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जिसमें आप मुख्तलिफ सब्सटेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके तहकीक करके उनकी खूबियों के बारे में जानते हैं तो जब हम मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जितनी भी केमिकल सब्सटेंसेस हैं और उनमें होने वाली केमिकल तब्दीली जिसको केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है वो बिना किसी उसूल के आर्बिट्रेरी तौर पे नहीं होती बल्कि ये तब्दीलियाँ मैटर के अंदर कुछ ख़ास असूल कवानीन को फॉलो करके होती हैं तो उन लॉज को जिनके तहत मैटर के अंदर कोई भी तब्दीली रेगुलेट होती है उनको हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन तो हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर केमिकल रिएक्शंस के चार बेसिक लॉज हैं पहला लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दूसरा लॉ कहलाता है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कॉम्पोजिशन तीसरे लॉ का नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और चौथा लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो सबसे पहले आपको पहले लॉ के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान या किसी भी केमिकल चेंज के दौरान सब्सटेंस के अंदर मौजूद एटम्स को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही नए एटम्स को खुद खुद क्रिएट किया जा सकता है यह लॉ 1785 में सबसे पहले फ्रेंच केमिस्ट लेवर ने दिया तो लेवेजर जो था उसकी वो एक्सपेरिमेंट्स करता था मुख्तलिफ केमिकल सब्सटेंसेस के ऊपर और उनके रिएक्शंस के ऊपर और वो रिएक्शंस के वक्त रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद होने वाली वेट की तब्दीली को ऑब्ज़र्व कर रहा था उसने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर यानि कि एक ऐसा इन्वायरमेंट आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें बाहर से कोई दूसरे चीज़ें रिएक्ट ना कर रही हों तो बहुत एहतियात से अगर हम किसी ऐसे क्लोज सिस्टम के अंदर केमिकल में तब्दीली करवाएं तो उस तब्दीली के दौरान ना तो कोई एटम्स जो है उसके अंदर खुद ब खुद प्रोड्यूस होते हैं और ना ही उसके अंदर मौजूद एटम्स डिस्ट्रॉय होते हैं अलबत् मैटर ट्रांसफॉर्म जरूर हो सकता है यानी कि वो अपनी बॉन्डिंग चेंज कर लेते हैं और नए केमिकल सब्सटेंसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लेकिन उस दौरान रिएक्शन के दौरान जो टोटल वेट होता है हमारे कंबाइनिंग सब्सटेंसेस का रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का वो वेट हमेशा सेम रहता है इसीलिए इसने ये स्टेटमेंट दी कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड एंड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन द मास ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स यानी जो चीजें मिलकर के रिएक्ट कर रही हैं तो उनकी वजह से बनने वाली जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनका वज़न भी उतना ही होगा जितना रिएक्टिंग केमिकल्स का वजन था अब चूंकि साइंस तो हर चीज़ का सबूत मांगती है भाई तो लिहाजा इसने तो केमिकली ऑब्जर्व करके अपनी हाइपोसिस दी थी लेकिन इसको जो है ना कोई वैलिड ऐसा प्रूफ दिखाना था कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके जरिए सब लोगों को इस बात का कायल किया जा सके तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में सबसे ज्यादा मशहूर जो एक्सपेरिमेंट है वो लैंडोल्ट का एक्सपेरिमेंट है लैंडोल्ट जो था वो एक केमिस्ट था उसने जो है एक ख़ास किस्म का एपरेटस डिज़ाइन किया इस लॉ को प्रूफ करने के लिए तो उसने जो ये एपरेटस बनाया उसको हम लैंडोल ट्यूब या एच शेप ट्यूब कहते हैं ये ट्यूब असल में दो टेस्ट ट्यूब्स को मिला करके बनती थी उसने किया ये कि दो ग्लास टेस्ट ट्यूब्स ली और उनके बीच में एक हॉलो ट्यूब जोड़ दी इस तरह से कि केमिकल्स एक टेस्ट ट्यूब से दूसरे टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफर हो जाए अगर वो उस ब्रिज तक फिल कर दिए जाए यानी अगर आप किसी भी टेस्ट ट्यूब को आधे से ज्यादा फिल करेंगे तो वो जो है बीच से दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसका मटेरियल चला जाएगा तो लैंडम करता यह था कि इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर दोनों टेस्ट ट्यूब्स में दो अलग अलग केमिकल्स लेता था और उनको उस कनेक्टिंग पॉइंट से हाफ फिल किया करता था यानी कि ब्रिज तक फिल नहीं करता था उससे हाफ़ फिल करता था फिर उसके बाद उन दोनों टेस्ट ट्यूब्स को वो सील कर देता था सील्ड का मतलब कि वो इस तरह से उनको ऊपर से जो है कैप टाइट करके एयर टाइट कर देता था कि सराउंडिंग के कोई भी गैस पार्टिकल्स ना तो वेपर्स की सूरत में ना मॉइस्चर की सूरत में उसके अंदर इंटर नहीं हो सकते अब जो दो जो ट्यूब के अंदर जो अलग अलग जो केमिकल्स मौजूद हैं उन केमिकल्स का बाहर के किसी केमिकल्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा फिर उसके बाद वो उस टेस्ट ट्यूब का वेट करता था ठीक है भाई रिएक्शन से पहले इस ओवरऑल सिस्टम का वजन वजन कितना है? फिर उस को वो रिकॉर्ड तो चला जाता था इस शेकिंग के दौरान जब दो केमिकल सब्सटेंसेस मिलते थे तो उनके दरमियान केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाता था उस रिएक्शन का पता हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर अक्सर कलर चेंज की वजह से पता चलता था कि हाँ भाई इन दोनों केमिकल्स ने आपस में रिएक्ट करके कोई ना कोई न्यू सब्सटेंस या कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म किए जिसके प्रेसिपिटेट्स या कलर चेंज हमें नज़र आ रहा है तो फिर उसके बाद रिएक्शन के बाद जब उसने दोबारा वजन किया तो जो है वो वज़न ऑलमोस्ट वही सेम आता था जो कि रिएक्शन से पहले हुआ करता था तो इस तरह से उसने मुख्तफ़ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तकरीबन पंद्रह के करीब उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए अलग अलग केमिकल्स की मदद से और तमाम साइंटिस्ट के सामने ही उसने एक्सपेरिमेंट्स प्रूफ किए और उसने रिएक्शन से पहले भी वेट नोट किया रिएक्शन के बाद भी वेट नोट किया और तमाम एक्सपैरिमेंट्स के अंदर जो है उसका वज़न रिएक्शन से पहले और बाद में सेम आया तो ये था लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट जिसने प्रैक्टिकली तौर पर वेरीफाई करके दिखाया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है सही है फिर उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी यह करी थी कि मैटर जो है हमारे इर्द गिर्द इस मैटर को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और मैटर एनर्जी में और एनर्जी से वापस मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है अब हम तो इतने तरक्याफ्ता नहीं हुए हैं कि हम किसी भी मैटर को एनर्जी में जो है कन्वर्ट कर दें लेकिन बहरहाल ऐसा थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली जो है होता है हमारे इर्गिर्द मिसाल के तौर पे सूरज जो है वो जो है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस मौजूद है हाइड्रोजन और हीलियम गैस और वहाँ पर हाइड्रोजन गैस के अंदर होने वाले न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से उस सूरज की हीट एनर्जी ज़मीन तक पहुँचती है और साथ साथ लाइट एनर्जी भी पहुँचती है तो इसका मतलब सूरज पर मौजूद जो सब्सटेंस है जो मैटर है वो केमिकल रिएक्शन के दौरान ना सिर्फ एक नई प्रोडक्ट भी बना रहा है बल्कि साथ साथ उस रिएक्शन के दौरान कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसी नए सब्सटेंस के बजाय एनर्जी यानी के लाइट और हीट के अंदर तो गोया इस तरह से कुछ केमिकल रिएक्शन हमारी दुनिया में ऐसे भी होते हैं जिनके दौरान जो है मास हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का सेम नहीं रहता बल्कि कुछ वजन का हिस्सा जो होता है वो एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ये बहुत ही माइन्यूट हिस्सा होता है जो कि बहुत से एक्सपेरिमेंट्स में प्रैक्टिकली डिटेक्ट नहीं हो पाता तो इसलिए ये लॉ अभी तक ट्रू कंसिडर किया जाता है लेकिन आइंस्टाइन की बात भी अपनी जगह दुरुस्त है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल अ चेंज अ लिटिल मास ऑफ द प्रोडक्ट कन्वर्ट्स और ट्रांसफॉर्म्स इनटू एनर्जी गोया थोड़ा सा वजन जो होता है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है डिस्ट्रॉय तो खैर बहरहाल फिर भी नहीं होता ठीक है भाई तो ये कांस्टन का जिक्र करना जरूरी था इस लॉ के साथ साथ क्योंकि इन्होंने ही एक इक्वेशन भी बनाई थी जिसके जरिए एनर्जी को जो है मास में या मास को एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने की कैलकुलेशंस की जा सकती हैं प्रैक्टिकली ऐसी कोई मशीन नहीं है वरना हम लोग खुद को इंसान रोशनी में तब्दील करके एक जगह से दूसरी जगह पलक झपकते में पहुंच जाते ठीक है भैया फिर वहां पहुंच करके दोबारा से अपनी रोशनी को अपने मैटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते उसके बाद जो आपका सेकंड लॉ है जिसको हम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन भी कहते हैं ये भी एक फ्रेंच केमिस्ट ने दिया था जिसका नाम था लुइस प्राउस्ट तो लुइस प्राउस्ट ने ये 1799 के अंदर ये लॉ दिया था और इस लॉ का कहना ये है कि अगर डिफरेंट सैंपल्स आप लें किसी भी एक केमिकल सब्सटेंस के ठीक है मुख्तलिफ जगहों से तो उन केमिकल सब्सटेंसेस की कम्पोजिशन और किन एलिमेंट्स से बने हैं और उन एलिमेंट्स की कम्बाइनिंग रेशो हमेशा सेम रहती है यानी डिफरेंट सैंपल्स ऑफ अ सेम प्रोडक्ट कंटेन सेम कंपोजिशन एंड सेम रेशो ऑफ एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर अब अगर आपको प्यास लगी और आप पानी पीते हैं तो पानी आप पाकिस्तान में भी हैं कैनेडा में भी हैं अफ्रीका में भी पिए अगर प्योर पानी आप पी रहे हैं तो प्योर पानी का जो फॉर्मूला होगा वो एच टू ओ ही रहेगा बल्कि दुनिया छोड़ें आप यहाँ से बाहर निकल जाएं चांद पे मार्स पे या यूनिवर्स के किसी भी हिस्से में चले जाएं अगर आपको कहीं एक केमिकल सब्सटेंस मिलता है जो कि वाटर है तो उस वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेंगे हमेशा ठीक है ये नहीं कि आप दूसरे मुल्क के गए अंदर गए तो वहां पर आपको कुछ और फॉर्मूला है पानी का तो ऐसा नहीं हो सकता प्योर वाटर जो है उसका फार्मूला हमेशा एच टू ओ ही होता है हाँ अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर पानी के अंदर और बहुत से केमिकल्स हैं जो बिना बताए आपको डिजोल्व हो जाते हैं तो बेहतर यह है कि आप उसे उबाल के पिए इसमें पानी का कोई कसूर नहीं है पानी का फॉर्मूला तो एच टू ओ ही रहता है लेकिन उसके अंदर और बहुत सी चीजें ऐड की जा सकती हैं जो उसमें डिजोल्व होकर डिसअपेयर हो जाएंगी तो सेकेंड लॉ जो था ये आपका लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट कंपोजिशन ये केमिकल सैंपल्स की स्टडी करके हमें पता चला कि हमेशा हम सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि दुनिया से बाहर भी हमें जितने भी सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो मैटर मौजूद है हर मैटर का एक ख़ास सब्सटेंस का एक ख़ास फार्मूला है और वो फार्मूला चेंज नहीं होता वो सेम रहता है कंबाइनिंग एलिमेंट्स भी सेम रहते हैं और उनकी रेशो भी सेम रहती है उसके बाद तीसरा लॉ आपका जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये 1803 के अंदर एक साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन उन्होंने दिया था जॉन डेल्टन के इस लॉ के मुताबिक अगर मुख्तफ एलिमेंट्स मिल करके एक से ज़्यादा अलग अलग किस्म के कंपाउंडस बनाएंगे तो जब भी कभी वो कम्पाउंडस बनाएंगे हमेशा उनकी कंबाइनिंग रेशियो जो होगी एटम्स की वो होल नंबर्स में रहेगी जैसे मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये आपस में मिलते हैं तो पानी बनाते हैं तो जब पानी बनाते हैं तो उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की रेशो जो होती है वो सिंपल मल्टीपल्स में होती है यानी कि हाइड्रोजन टू है तो ऑक्सीजन वन होगा ऐसा नहीं होगा कि वन पॉइंट फाइव हाइड्रोजन यूज हो जाए या ऑक्सीजन जो है वो पॉइंट फाइव यूज हो जाए इसी तरह हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल करके एक और कंपोजिट भी बनाते हैं उस दूसरे सब्सटेंस का नाम हाइड्रोजन पर है हाइड्रोजन पर के अंदर भी ये हमेशा होल नंबर्स में एड होते हैं यानी टू हाइड्रोजन एंड टू ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तो डेल्टन का कहना यह था कि किसी भी केमिकल कंपोजिट का या केमिकल सब्सटेंस का जो फार्मूला होता है उसमें एटम्स हमेशा होल नंबर्स में ऐड होंगे और कोई भी सब्सटेंस एक से ज़्यादा अगर एलिमेंट्स मिलके एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहे हैं तो हमेशा उनकी कंबाइनिंग रेशो होल नंबर्स में होगी कभी भी एटम कोई डिस्काउंट नहीं लगा हुआ कि थर्टी परसेंट या सेवेंटी परसेंट डिस्काउंट के साथ एटम अटैच हो रहा है एटम हमेशा इंडिविजुअल यूनिट में मल्टीपल्स में ऐड करेगा या तो वन एटम होगा टू एटम होगा थ्री एटम होगा तो हमेशा होल नंबर्स में होगा ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप जो है मार्केट जाए और ग्रोसरी स्टोर से आप जाके कहें कि मुझे साढ़े छः अंडे चाहिए तो साढ़े छः अंडे तो ना तो शॉपकीपर आपको दे सकता है और ना ही जो है मुर्गी तोड़ के दे सकती है तो कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा होल नंबर्स में काउंट की जाती हैं तो इसी तरह केमिकल्स में भी ये बिहेवियर नोट किया गया कि हमेशा ऐटम ऐसा होल यूनिट कंबाइन होता है तो ये जो लॉ होता है हमारा ये कहलाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपकी बुक के अंदर इसकी एक तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दो कंपाउंड्स की मिसाल देके बात समझाई गई है फिर साथ साथ नाइट्रोजन के मुख्तलिफ केमिकल्स दे करके ये मिसाल समझाई गई है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एक से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाते हैं लेकिन जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं सब में जो ऑक्सीजन की रेशो होती है वो मल्टीपल्स में ऐड होती है या तो वन या टू या थ्री इस तरह से इंक्रीज करके कंपाउंड्स बनाते रहते हैं अब यहां तक आपने अभी तीन लॉ पढ़े हैं और इन तीनों लॉ में आप देखें कि केमिस्ट्री के अंदर काम कैसे होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टडी की जाती है उसको ऑब्जर्व किया जाता है और फिर ऑब्जर्व करने के बाद किसी भी ट्रेट को वेरीफाई करके लॉ बनाया जाता है तो आपने साइंटिफिक स्टेप्स पढ़े थे ना चारों ये भाई ऑब्जर्वेशन फिर हाइपोथेसिस फिर थ्योरी और फिर जाकर के वो लॉ तो इसी तरह ये जो चारों लॉ हैं ये सारे मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व करने के बाद वैलिडीफाई होकर के ये लॉ बनाए गए हैं तो इस सिलसिले का चौथा और आखिरी लॉ जो है आपका उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये किसने ऑब्जर्व किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड तो रिचर्ड ने जो है एक केमिकल बिहेवियर जो है वो ऑब्ज़र्व किया जो कि किसी भी ऐसे केमिकल एलिमेंट्स के दरमियान होता है कि जो किसी थर्ड एलिमेंट्स के साथ एक फिक्स रेशो में कम्बाइन होते हैं आसान जमान में अगर कोई भी दो एलिमेंट्स हैं वो किसी थर्ड एलिमेंट्स के साथ फिक्स प्रोपोर्शन से रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं जैसे मिसाल के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन इन दोनों एलिमेंट्स के अंदर हाइड्रोजन के साथ कम्बाइन होकर नया सब्सटेंस बनाने की सलाहियत है कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो ये कंपाउंड बनाता है मीथेन गैस का सी एच फोर इसी तरीके से ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन के साथ मिक्स होने की सलाहियत रखती है और उसके साथ एक केमिकल सब्सटेंस बनाती है जिसको आप कहते हैं वाटर तो अगर आप इनकी जो है वेट वाइज कॉम्पोजिशन देखें तो अगर आप वन ग्राम हाइड्रोजन लेंगे तो कार्बन को वन ग्राम पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए थ्री ग्राम वजन की जरूरत पड़ेगी यानी एक ग्राम अगर हाइड्रोजन है तो आपके पास तीन ग्राम जो है वो कार्बन होना चाहिए तब जाकर के आप मिथेन जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं इसी तरीके से अगर आप वाटर प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो एक ग्राम हाइड्रोजन के साथ आपके पास ऑक्सीजन बाय मास कम से कम एट ग्राम होनी चाहिए है, तो आपका रिएक्शन होगा अगर ये दोनों एक एक ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने की सलाहियत रखते हैं तो रिचर्ड ने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों सब्सटेंसेस, यानी कार्बन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन हो यानी हाइड्रोजन ना हो और ये दोनों कंबाइन हो तो इन दोनों की कंबाइन होते वक़्त रेशो वो ही रहती है जो कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते वक्त थी यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है वो है कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बनाते हैं तो इनके वजन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए सबसे सिंपल अगर हमें थ्री ग्राम कार्बन होगा तो उसके साथ एग्जैक्टली एट ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा ये थ्री बाय एट रेशो जो है ये वही रेशो है सिंपल जो कि इनकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते वक्त थी तो उसने इस तरह से मुख्तलि केमिकल सब्सटेंसेस का जिनका ट्रायो बनता था कि वो किसी एक सब्सटेंस के वन ग्राम के साथ अगर फिक्स प्रोपोर्शन में रिएक्ट करते थे तो उनकी उन एलिमेंट्स की आपस में भी जो रिएक्टिविटी होती थी उस वक्त भी उनकी कंबाइनिंग रेशो वो सेम रहा करती थी जैसा कि किसी थर्ड एलिमेंट के साथ फिक्स रेशो में थी तो ये जो लॉ था ये कहलाता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो इस तरह से आपके केमिस्ट्री के लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के चारों लॉस कंप्लीट हो जाते हैं अब आपकी बुक में देखें तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के साथ नेक्स्ट पेज पे एक डायग्राम बनाई गई है जिससे उसको एक्सप्लेन किया गया है तो उस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें हाइड्रोजन और कार्बन की जो बॉन्डिंग हो रही है तो वो मिथेन गैस बना रहा है मिथेन गैस के नीचे आपके साथ लिखा हुआ है ट्वेल्व बाय फोर रेशो तो ट्वेल्व बाय फोर रेशो का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के जो चार एटम्स हैं उनका बाय मास फोर ए वज़न है कार्बन के जो एटम एक एटम है उसका वज़न ट्वेल्व है उसके बाद इसी रेशो को कैंसिल करके यानी कि एक ही टेबल से डिवाइड करके फोर वन जो फोर फोर थ्री जो ट्वेल्व इसको सिंपल रेशो में लिखा गया है थ्री रेशो वन तो वन ग्राम इस तरह से उन्होंने अखज किया कि वन ग्राम अगर आपके पास हाइड्रोजन हो तो उसको बाय मास रिएक्ट करने के लिए कार्बन के थ्री ग्राम की जरूरत पड़ेगी इसी तरीके से साइड में जहां H2O लिखा हुआ है तो वहां पे नीचे टू रेशो सिक्सटीन लिखा हुआ है तो इस तरह से लिखा है कि एक हाइड्रोजन का बायमास वजन जो होता है वो वन होता है तो दो हाइड्रोजन है यहाँ पे तो उनका वज़न टू होगा एक ऑक्सीजन का वज़न सिक्सटीन होता है अब इस इसी रेशो टू रेशो सिक्सटीन के नीचे इसको वन बाई एट जो लिखा है तो इसको भी सिंपली डिवाइड करके लिखा है टू वन जो टू और टू एट ज़ा सिक्सटीन तो इस तरह से ये रेशो सिंप्लीफाई होकर वन बाई एट हो गई तो इसका मतलब ये कि अगर हाइड्रोजन वन ग्राम यूज़ होगी तो ऑक्सीजन उसके साथ एट ग्राम यूटिलाइज होगी फिर नीचे कार्बन डाइऑक्साइड लिखी हुई है CO2 टू इसकी रेशो दी हुई है कि अब एक कार्बन का वजन 12 होता है और एक ऑक्सीजन का वज़न 16 होता है पर यहां पर CO2 टू है यानी ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन 16 प्लस सिक्सटीन थर्टी है अब 12 और 32 को अगर हम एक ही टेबल से सिंपली सिंप्लीफाई करके डिवाइड करके लिखें तो फोर थ्री जो ट्वेल्व और फोर एट जो थर्टी टू तो इस तरह फोर रेशो थर्टी टू को सिंप्लीफाई करके थ्री रेशो एट करके भी लिखा जा सकता है अब आप देखें ये लॉ प्रूव हो गया कि जैसे ऊपर मैंने कहा था कि एक ग्राम हाइड्रोजन के साथ तीन ग्राम कार्बन और एट ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करती है तो अब जब कार्बन और ऑक्सीजन ने सेपरेटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया तो उनकी रेशो वही रही जो कि हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते वक्त थी यानी थ्री बाई एट